नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। क्या स्मृति ईरानी राष्ट्रपति बनेंगी? यदि ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर विश्वास करें तो मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी राष्ट्रपति बन सकती हैं। हालांकि ज्योतिषी से मिलने के बाद स्मृति विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मंत्री को देश से ज़्यादा अपने भविष्य की चिंता है। बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने भीलवाड़ा में करीब 4 घंटे तक एक ज्योतिषी से मुलाकात की थी। ज्योतिषी ने स्मृति ईरानी से कहा है कि उन्हें इससे भी बड़ा पद मिलेगा। इस ज्योतिषी ने ईरानी के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी की है। खेल सकती है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाया जा सकता है। बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों की माने तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए टेस्ट सीरीज की कमान विराट कोहली को सौंपी जा सकती है। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में धोनी को बतौर कप्तान और बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में अधिक सफलता नहीं मिली है। धोनी के नेतृत्व में 2011 में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के विदेशी दौरे सहित लगातार 9 टेस्ट मैच हारी। इसके अलावा भारत को नवंबर-दिसंबर 2012 में धोनी की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज भी 1-2 से गंवानी पड़ी थी। पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा का निधन। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा का आज मुंबई में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। मुरली भाई के नाम से लोकप्रिय मुरली देवड़ा ने सुबह 3:25 पर अंतिम सांस ली। अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई महत्वपूर्ण विभागों की कमान संभालने वाले देवड़ा ने पहली बार 1975 में मुंबई में नगर निकाय का चुनाव लड़ा था। वे दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए। बाद में इसी सीट का प्रतिनिधित्व उनके बेटे मिलिंद देवड़ा ने किया था।